दूधिया रोशनी से जगमगाया ब्यास पुल, आज रात का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। देहरा ब्यास नदी पर बनी महाराणा प्रताप सागर पौंग झील के पुल में 16 नई लाइटें लगाई गई हैं। दूधिया रोशनी से अब पुल पर गुजरने वाले राहगीरों को भी सहूलियत मिल रही है। अक्सर यहां रोशनी न होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। बीते कुछ महीनों पहले हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसके लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने SDM देहरा धनवीर ठाकुर को लिखित रूप से अवगत कराया था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए SDM देहरा ने ब्यास नदी पर बने पुल को रोशन करने के लिए अनुमति दे दी। उसके बाद शनि मंदिर लोअर सुनहेत के प्रबंधक मनोज भारद्वाज व अगरली के जाने माने डॉक्टर हरि कृष्ण जोली ने पुल पर लाइटें लगाने के लिए सहयोग किया था। इन लाइटों से बिजली बिल का भुगतान नगर परिषद देहरा करेगी। यहां लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व लाइटें लगाई गई थी, लेकिन दो विभागों की आपसी असहमति न होने के कारण इस महीने के बाद ही बंद करनी पड़ी, जिसके बाद ना तो किसी ने इसे जगाने की जहमत उठाई और ना ही किसी ने इन लाइटों की रिपेयरिंग करने की कोशिश की। इस पुल से 6 गांव के लोग पैदल आते जाते हैं। SDM बोले, देहरा पुल आज से जगमगाया, देहरा वासियों को बधाई। पुल पर होती थी दुर्घटनाएं। पुजारी मनोज भारद्वाज ने दी लाइट, जगमगाया ब्यास पुल। मनोज भारद्वाज, SDM साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी, ये पुल जो है लगभग 60 साल पुराना पुल है, इस पे कम से कम एक ही बार लाइट जो थी वो लगी थी और कुछ ही महीने वो लाइट चली थी जो NH वालों ने लगाई थी। उसके बाद इस पुल पे बहुत से एक्सीडेंट अंधेरे के कारण हुए। इसको देखते हुए हमने SDM साहब से, धनवीर ठाकुर जो हमारे हैं यहाँ के, उनसे हमने प्रार्थना की, उन्होंने इस प्रार्थना को सुना और बड़ी जल्दी ऑर्डर निकाले और ये जितनी लाइट्स इसके ऊपर लगी हैं ये हमने इनको इकट्ठी करके दी हैं और अब ये जो है आज जो है ये सारी लाइटें जो है पुल पे लाइटें आज शुरू की गई हैं। क्या कहेंगे इसके पूरी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरे ध्यान में ये बात लाई गई कि ये जो हमारा ब्यास नदी पे पुल बना है इस पर जो ये लाइटें हैं पिछले 10-12 सालों से जो है वो काम नहीं कर रही है। जैसे ही मेरा ध्यान में मामला आया मैंने तुरंत जो है वो म्यूनसिपल कमेटी से इस मामले को उठाया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा असमर्थता बताई कि हमारे पास बजट नहीं है। मैंने स्वामी जी जो हमारे शनि मंदिर के यहाँ के मुखिया हैं उनसे बात की, उन्होंने हमें ये लाइटें प्रोवाइड कराई और मैंने जो है ये लाइटें जो है जोड़ के जो है वो लोगों को समर्पित की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं भी अभी यहाँ आप पुल पे ही खड़ा हूँ। ये पुल जो है वो आज पूरा जगमगाया है। मैं देहरा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।